मुंबई कांदिवली पूर्व समता नगर पुलिस ने 26 वर्षीय नौकरानी को बोरीवली से गिरफ्तार किया है। जी हां, ये नौकरानी अपनी मालकिन की बीमारी का फायदा उठाकर फ्लैट में रखे सोने चांदी के गहनों को चुराकर फरार हो गई थी। महिला को कड़ी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर उसके पास से चोरी के गहने बरामद कर लिए गए हैं। बरामद हुए गहनों की कीमत करीब 12.5 लाख रुपए बताई जा रही है। अगर आप किसी महिला को नौकरानी या केयरटेकर के तौर पे काम पर रखते हैं तो आप भी हो जाइए सावधान, क्योंकि आपके साथ भी यह घटना हो सकती है। दरअसल मुंबई की कांदिवली समता नगर पुलिस ने एक 26 वर्षीय महिला को चोरी के मामले में गिरफ्तार किया है, जो अपनी मालकिन की बीमारी का फायदा उठाकर तिजोरी में रखे करीब 15 लाख के गहने लेकर रफू चक्कर हो गई थी। समता नगर पुलिस में शिकायत के बाद जांच अधिकारी एपीआई भगत ने इस पूरे मामले की जांच शुरू की, जिसमें सोसाइटी में आने जाने वाले सहित करीब दर्जनों लोगों की पड़ताल की। इस पड़ताल में जांच सामने आया कि उक्त महिला जिसने चोरी की थी, वह अपने मालकिन को यह कहकर चली गई थी कि उसके घर में शादी है। पुलिस का शक लगातार गहराता गया। पुलिस ने उस महिला को सर्विलेंस में लेकर जब जांच पड़ताल की तो पता चला कि महिला के रवैया बदले हुए हैं। हो न क्यों, क्योंकि महिला ने करीब 15 लाख के गहने लेकर फरार हो गई थी। जो घर में काम करने वाली जो उनके अल्माइजर की पेशेंट जो वाइफ है, उनकी देखभाल करने वाली जो औरत है, वो 28 तारीख को काम पर आई है और 29 तारीख के बाद वो काम पर आई नहीं है। तो हमको पहला इसके ऊपर शक गया, तो इनको हमने जीरोइंग करके उसको बुला के लिए, हमने पूरा मालूम उनका पूरा डिटेल निकाला उसको। फिर इन्वेस्टिगेशन में हमने उसको लेडीज़ कांस्टेबल ऑफिसर के थ्रू उनको इन्वेस्टिगेट किया, मालूमत की, तो उन्होंने उसने हमें बताया कि उसने वो घर में चोरी की है। वो जो सामान है, जो सोने के गोल्ड और ज्वेलरी है, वो हमने एक सोनार से और दूसरी जगह से हमने वो रिकवरी की है। तो रिकवरी में हमें कम से कम 250 ग्राम्स सोना हमने जो 12.5 लाख उसकी प्राइस है वो हमने उससे बरामद की है। फिलहाल समता नगर पुलिस स्टेशन के एपीआई और भगत और उनकी टीम ने लगातार जांच करते हुए महज 12 घंटे के अंदर उस महिला को बोरीवली इलाके से गिरफ्तार कर लिया और उसके पास से चोरी के करीब 260 ग्राम सोने के गहने जब्त कर लिए, जिसकी कीमत करीब 12.5 लाख रुपया बताई जा रही है। इस बीच मुंबई पुलिस ने एक आह्वान भी किया है कि अगर आप किसी नौकर या केयरटेकर को अपने घर में बतौर काम के तौर पर रखते हैं तो सबसे पहले उसका पुलिस वेरिफिकेशन जरूर करवा लें, अन्यथा आपको भी इस तरह की परेशानियां झेलनी पड़ सकती है। कैमरा पर्सन बिजनेस के साथ मैं सोनी एनबी न्यूज।